नागपुर तालुका और कलमेश्वर पुलिस स्टेशन सीमा में मौजा खड़गांव पीएचएन 141 में 4 एकड़ जमीन बेचकर शिवसेना शिंदे गुट के सह संपर्क प्रमुख दिवाकर पाटे ने किसान दिगंबर ठाकरे से धोखाधड़ी की है, जिसके विषय में पीड़ित किसान ने आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी। दिलचस्प बात यह है कि इस जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को जमीन के सौदे पर स्टे दे दिया था। इसके बावजूद दिवाकर पाटे ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और किसान की जमीन आपस में बेचकर न्यायालय की अवमानना की है। ऐसा आरोप लगाते हुए किसान दिगंबर ठाकरे ने बताया कि मेरा पुश्तैनी खेत 10 एकड़ का था, उसमें से दिवाकर पाटने से 4 एकड़ जमीन का सौदा हुआ। 9 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भूमि सौदे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि यह दिवाकर पाटने ने नहीं दी और उससे पहले ही मुझसे 4 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी ले ली गई। भुगतान न करने के कारण मैंने 2022 में 4 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी रद्द करने के लिए कोर्ट केस दायर किया। 23 फरवरी 2024 को कोर्ट ने इस 4 एकड़ जमीन के सौदे पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले का फैसला आने तक जमीन की बिक्री पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट केस दे देने के बाद भी दिवाकर पाटने ने 15 अप्रैल 2024 को 4 एकड़ जमीन पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर बेच दी। उसने यह जमीन महेश हिरणपार, योगेश हिरणपार, अखिलेश सिंह, राहुल मिश्राम, संजय चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, दिनेश चौधरी, अश्विन सुधीर सिंह को बेच दी, जिसके चलते न्याय की गुहार लगाते हुए फिरियादी किसान ने न्याय व्यवस्था और मुख्यमंत्री से न्याय का अनुरोध किया है। हाँ सर, मेरे साथ में जो दिवाकर पाटने जो है वो जो कोर्ट का स्टे रहने के बावजूद भी उन्होंने जो मेरी जो जमीन को बेचा है, तो ये मेरे साथ में बहुत ही एक अन्याय के साथ में ये हो चुका है। तो मुझे ये कहना है कि ऐसी मेरे साथ में हुआ, ऐसी दूसरों के साथ में नहीं होना चाहिए और उसको कहीं तो भी सबक मिलना चाहिए। जो शिवसेना का जो कुछ आने जो मैं फलाना हो ये हो वो हो, तो ऐसी राजकारण में क्या होगा कि अच्छे राजकारण को गंदा होने की टाइम भी नहीं लगेगा। तो ऐसी बड़े नेताओं ने भी ऐसी बड़े ये नेताओं को थोड़ा सबक सिखाने का थोड़ा सा ये करना चाहिए और ऐसी को थोड़े से दूर करना चाहिए और साफ सुथरा कार्यक्रम के साथ में ये करना चाहिए। और ये इन्होंने अगर ये नेता लोग अगर काश्तकारों के साथ में अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो काश्तकार का कुछ रहने में ना रहने में ये नहीं रहेगा। काश्तकार वैसे भी पहले ही मर चुका है और ऐसे होने से और ज़्यादा ये दुखी हो जाएगा और इनकी तो ये चलते रहेंगे, ये तो 420 करते रहेंगे, कानून उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में है। तो इसके लिए मेरा एक ही नम्र विनंती है कि वो थोड़ा सा कोई माध्यम से उनको कुछ तो भी सबक सिखाना चाहिए और बाकी लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो, जैसी मेरे साथ में हो चुकी है वैसी ना हो उनके साथ में हो कहीं ऐसी। वैसी दिवाकर पाटने वो शिवसेना कुछ तो भी ग्रामीण का वो प्रमुख है, शिंदेगढ़ का है, वो ऐसी वो बोलता है और वो क्या है उसके बारे में, लेकिन वो उसका जब तक वो वही एक उसका बड़ा कठिनाई का एक ये रहता है उसका जो शिवसेना का यानी प्रमुख रहने से वो थोड़ा सा हमको हर किसी को थोड़ा डर आते रहता है। तो ये चीज़ है ना, ऐसी दूसरे के साथ में ना ऐसी डरा ढुमा के ऐसी कई लोग अगर आ सकते अगर ऐसी अगर आपने ऐसे कर मीडिया पे अगर ऐसी कुछ किए तो ऐसी मेरे जैसी भी और लोग आएंगे ऐसी मुझे एक लगता। अगर आप अगर ये मीडिया के माध्यम से अगर ऐसी थोड़ा सा पत्रकार के माध्यम से अगर हो जाए तो मेरे जैसी दुखी लोग आएंगे और वही पीड़ित लोगों को भी थोड़ा सा उनका भी कुछ अच्छा हो जाए, तो ये मेरी एक इतनी विनती है सर। आयोजित पत्र परिषद के माध्यम से किसान ने बताया कि दिवाकर पाटने ने न सिर्फ उनसे ही धोखाधड़ी नहीं की बल्कि कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है। चूँकि दिवाकर पाटने एक राजनीतिक दल से है और खासकर राज्य में सरकार है उस दल के पदाधिकारी है, इसलिए वे अपने पद का घमंड में ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जब जमीन का मामला लंबित था तब बड़े पैमाने पर जमीन की खुदाई भी की गई, जिससे उन्हें बड़ी मात्रा में आय हुई है, जिससे किसान ने अनुरोध किया है कि ऐसे धोखेबाज पदाधिकारी को जल्द से जल्द राज्य के मुख्यमंत्री दंडित करें और किसानों से न्याय करें। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।